नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है लर्न वेल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो एडिटर एक बहुत बढ़िया लेके आया हूं, इसके बारे में बताऊंगा। ये मोवी वीडियो एडिटर प्लस करके है। ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आपको जैसे कुछ मीडिया फाइल वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए आपको ये कुछ हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है, इसको भी ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट डाल के देखेंगे, कुछ साउंड वगैरह डाल के देखेंगे। तो जैसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा बैकग्राउंड इमेज है मान लीजिए, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट, ये हमारी मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन है, ये दो, एक को हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको उठा के यहाँ पे हम ऊपर रख देते हैं। और यहाँ पे आप जो स्क्रीन में ये दिख रहा है, ये अभी छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस पर और इसको आप खींच के बड़ा कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से साइज चाहिए। और यहाँ से आपको चाहिए, मान लीजिए हमें यहाँ से चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको कर्सर को ला के यहाँ पे कैंची जैसा दिख रहा है सीसर, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे टिक करके और हम इसको डिलीट की बटन जो रहती है हमारे कीबोर्ड में, हम डिलीट प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और इसको हम खींच के आगे ला लेंगे जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रहा है इसको हम हटा सकते हैं। चलिए मैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसको रख लेता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको कट कर दूँगा और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर को जो है इसको हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे आपको क्रोमा की करके दिख रहा है लास्ट में, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोमा की करके दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन उसके पहले जिस पे आपको ग्रीन स्क्रीन हटाना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे उस फाइल को। ठीक है, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है आप उतना उसको सेट कर दीजिए और आप देखेंगे कि ग्रीन कलर हट गया है, बाकी हमारा जो बैकग्राउंड वगैरह है वो आ चुका है ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें अभी सेकंड और ऐड करना है इसमें, तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे, ऐड मीडिया फाइल, हम इसको ऐड कर लेते हैं और सेम ऐसे ही इसको माउस से पकड़ के ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इस पर फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, आप इसको साइज वगैरह अपने हिसाब से इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे करके जिस हिसाब से चाहें सेट कर सकते हैं। और सेम हम वैसे ही यहाँ जाएंगे, ये हमारा क्रोमा की जो है यहाँ पे भी आपको दिखेगा, इसको भी हम सेट कर लेंगे। इस हिसाब से आप बड़ी ही आसानी के साथ में सेट करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको ये साउंड हटाना है, ये जो साउंड बज रहा है इसको हटाना है, तो आप ये इस फाइल का जो साउंड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इस पर जब कर्जर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा तीर चिन्ह दिखेगा, हम इसको पकड़ के नीचे कर देंगे तो ये हमारा अभी ज़ीरो हो गया। और सेम हम इस पर भी क्लिक करेंगे और इसको भी सेम हमने इसको हटा दिया साउंड को। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसमें अपना साउंड, खुद का साउंड ऐड करना है या यूट्यूब के हिसाब से आपको कोई साउंड ऐड करना है, तो वापस हम इसमें जाएंगे और यहाँ से ऐड मीडिया फाइल में जाके आपका जो भी साउंड रहेगा उसको आप यहाँ से, चलिए मैं अभी फ़िलहाल ये साउंड डाल देता हूँ।
अब ये हमारा साउंड जो है ऐसा नीचे आ गया है, इसका आप आवाज़ कम ज़्यादा जैसा करना है आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग ड्रॉप करके इस हिसाब से कर सकते हैं आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए। अभी अगर हम इसको प्ले करेंगे शिरडी के साई की प्रसिद्धि दूर जी, दूर तक है और ये पवित्र धार्मिक स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। तो आप इस हिसाब से अपना साउंड भी एडिट कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे मान लीजिए कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं कि यहाँ पे जब आप वीडियो प्ले करें तो यहाँ कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख के आएँ, तो आप इसके अलावा भी आप जैसे यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किस हिसाब से इसको चूज करके रखना है, उसका वीडियो क्वालिटी कैसा होना चाहिए, सेकी होना चाहिए, मोजेक के हिसाब से आना चाहिए कुछ ऐसा। तो अगर आपको इस हिसाब से कुछ रखना है तो चलिए मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको उठाएंगे यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे जिसको हमें उस हिसाब से बनाना है। इस पे जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला है, हम इस पे ऐसा कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। प्रसिद्धि दूर दूर तक ठीक है है, और ये पवित्र दार तो इस हिसाब से आप उसको सेट करके रख सकते हैं और कंट्रोल जेड प्रेस करके आप उसको अंडू कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं जो आपने किया होगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, एडजस्टमेंट वगैरह किस हिसाब से रखना है, ब्लर रखना है कैसा रखना है, कलर वगैरह, ये बैलून वगैरह अगर कुछ रखने हैं तो ये सारी चीज़ें आप इस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये लाइट का है तो ये इस हिसाब से कुछ लाइटिंग वगैरह स्थल दिखेगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर। ठीक है, बाकी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से जैसा आप वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसा एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारा थर्ड नंबर पे है ये, जैसे वीडियो को किस हिसाब से करना है, कैसा वो दिखना चाहिए वैसा आप कर सकते हैं इसको भी। कोने साईं पर पुस्तकें लिखी हैं, साईं पर लगभग इस तरीके से और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से उसको यूज करके देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर अगर आपको टेक्स्ट वगैरह कुछ एडिट करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कुछ इस हिसाब से आप टेक्स्ट तो वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मुझे इसको डालना है तो मैं इसको पकड़ूंगा यहाँ से और इसके ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा। अब मुझे इसको एडिट करना है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको हटाऊंगा और अपना खुद का एडिट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख करके लिख दिया है और मैं इसको कलर करना चाहूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर चेंज कर सकते हैं और इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस हिसाब से इसको खींच के। ठीक है, ऐसा। तो अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखिएगा किस हिसाब से शिरडी के आएगा। साई की प्रसिद्धि दूर दूर देखिए तक है और ये ये बहुत ही पवित्र बढ़िया धार्मिक है, आप स्थल इस है। हिसाब से आप इंट्रोडक्शन वगैरह भी दे सकते हैं और लास्ट में सब्सक्राइबर वगैरह का ऑप्शन भी, और भी स्पीच टेक्स्ट वगैरह हैं। उसके अलावा अभी आपने क्रोमा की जो ग्रीन स्क्रीन हटाते हैं उसको तो आपने देख ही लिया, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टिकर वगैरह अगर कुछ ऐड करने हैं इस हिसाब से, कुछ इमोजी वगैरह हैं, कुछ कॉमिक स्टिकर वगैरह इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ही ऐसा करके आप इसको साइड में कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। जहां साई ने देखिए अपने यहाँ पे दिख चमत्कारों से रहा, लोगों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इस हिसाब से कर सकते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए हम इसका यूज अगर करते हैं, हम इसको भी ऐसे ही ड्रैग ड्रॉप करेंगे, इसको छोटा बड़ा करके आप इस हिसाब से आप लगा सकते हैं।
देखिए, साई का जीवन शेयर। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से उसको सेट करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। एनिमेशन वगैरह के ऑप्शन हैं, ऐड एनिमेशन अगर कुछ यहाँ पे आपको करना है तो एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको जिसको छोटा बड़ा या ऊपर नीचे करना है, इसकी ऑपेसिटी कितनी हो, एंगल किस हिसाब से रखना है देखिए। लेकिन उसके पहले आपको जिस पे एनिमेशन करना है उस फाइल को आपको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। इसमें ऐड एनिमेशन करते हैं देखिए कुछ हिसाब से ऐसे, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें, पैन एंड जूम करके है, यहाँ पे आपको अगर जूम करना है, छोटी सी तस्वीर है उसको आगे बढ़ा के जूम करना है, पैन करना है, इस हिसाब से आगे पीछे करना है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन है, अगर आपका वीडियो शेकी वगैरह है कुछ तो उस हिसाब से आप स्टेबलाइज कर सकते हैं उसको यहाँ से। और हाईलाइट एंड कंसोल करके है, यहाँ से आपको जो चीज़ें हाईलाइट करनी हो जिस हिसाब से, या उसको करना मतलब कितना साफ सुथरा दिखे, कैसा दिखे, तो आप यहाँ से कर सकते हो उसको। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम अगर मान लीजिए हम अभी इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत ही कम टाइम में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलिए मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ, बाकी को मैं कट कर देता हूँ जो आगे की चीज़ें हैं ये सबको। तो मैं जो कट करना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, कट करके बाकी को डिलीट कर दूँगा। जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही रखूँगा। आप एक साथ भी सेलेक्ट करके इसको कट कर सकते हैं, कंट्रोल की दबा के एक साथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई मान लीजिए। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है एक्सपोर्ट करने में, और क्वालिटी भी अच्छी आती है। आप जिस हिसाब से आपको क्वालिटी रखना है आप उस हिसाब से क्वालिटी रख सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना फोल्डर जो है, किस फोल्डर में वीडियो सेव होना है, और यहाँ पे आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे अभी 1920x1080 है तो आप इसको भी रख सकते हैं। हाई क्वालिटी करना है तो उससे क्या है, MB आपका बढ़ते जाएगा, हाईएस्ट करना है तो कितना आएगा। तो अगर आप गुड क्वालिटी में भी सेट करके रखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। मैं भी 1280x720 सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मात्र आपका 16 MB का वीडियो आएगा। यहाँ पे आप MP4H264 ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो आपको वीडियो कोडेक चाहिए, AVI फॉर्मेट, MOV, JPG, बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको YouTube वगैरह के लिए अगर कुछ है, बाकी वीडियो तो आप सारी YouTube में डाल सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ MP3 वगैरह भी इम्पोर्ट करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं MP4H264 इसको रख रहा हूँ, और मेरी क्वालिटी यहाँ पे 1280x720p गुड क्वालिटी की वीडियो, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। ये इसकी एक यही अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ही जल्दी सेव हो जाता है सारे एडिट्स के साथ में, और वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। मैं आपको भी प्ले करके दिखाऊंगा एक्सपोर्ट होने के बाद में। बाकी आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इतना स्पीड उसमें नहीं होता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही स्पीड है। ठीक है, अब ये ओके करूँगा, ये खुल गया हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट करके हमने अभी जो क्रिएट किया। मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। शिवजी के साई की प्रसिद्धि दूर दूर तक है और ये पवित्र धार्मिक स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह साई की धरती है जहाँ साई ने अपने चमत्कारों से लोगों को विस्मित किया। साई का जीवन शिरडी में बीता जहाँ उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को भक्ति और योग की शिक्षा दी। साई के अनुयायियों में देश के बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, फिल्म कलाकार, बिजनेसमैन, शिक्षाविद समेत
तो आपने देखा कि बड़ी ही आसानी के साथ में बहुत ही जल्दी एक वीडियो को एडिट करके आप अपने हिसाब से किस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप इसको यूज करिए। मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वेबसाइट से इसके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।